नमस्कार, मैं जसबीर अपने चैनल जसबीर क्रिएशन में आप सब बहनों का स्वागत करती हूँ। आज हम जो 3 साल के बच्चे की जैकेट बना रहे थे वो कंप्लीट हो गई है, रेडी हो गई है बनके। अब आज हम इसका मेज़रमेंट बताएंगे, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स की हमें फरमाइश आई है कि मैम इसका मेज़रमेंट एक बार पूरा टोटल जब बन जाएगी तो बताना। इसीलिए हमने इसमें बटन भी लगा दिए हैं और आज इसका हम मेज़रमेंट बताएंगे और इसकी लेंथ बताएंगे। तो आपने इसको ध्यान से देखना है। इसके लिए फ्रेंड्स हमने 82 फंदे डाले हैं बैक के, जो बैक में है 82 फंदे हमने बॉर्डर के डाले हैं। 82 फंदे डालकर हमने 8 फंदे ऊपर बढ़ाए हैं, तो हमारे टोटल 90 फंदे हैं। 90 फंदे डालकर हमने डिज़ाइन को एडजस्ट किया है। अगर आपका डिज़ाइन नहीं है, कोई और डाला है, तो उस हिसाब से आपने अपने फंदे रखने हैं। हो सकता आप 5 फंदे बढ़ाएं या 6 फंदे बढ़ाएं। हमारे 8 फंदे बढ़े हैं क्योंकि हमने इस डिज़ाइन को एडजस्ट करना था। तो जिस साइडों में देखिए, हमने 6 फंदे साइडों में रखे हैं पट्टी के, एक उसको ब्यूटी देने के लिए। ये देखिए, ये साइडों में है, 6 इधर है, 6 फ्रंट में है। तो ऐसे बनाकर हमने ऊपर तक इसका डिज़ाइन बनाया है, आर्म होल तक डिज़ाइन बनाकर आगे हमने सीधी सीधी लाइनें दी हैं। नीचे हमने 11 इंच लेंथ रखी है इसकी, 11 इंच, ऊपर हमने 6 इंच रखी है और सीधी सीधी लाइनें बनाई है। और हमने दोनों साइड से कटिंग की है, जो कि 11 फंदे कम किए हैं, एक एक फंदा कम करते हुए 11 फंदे कम किए हैं। उसके बाद हमने सीधा इसको बुनकर बीच वाले फंदे जो बंद किए हैं, इसकी प्रॉपर वीडियो हम 4 पार्ट डाल चुके हैं। ये 5 पार्ट है हमारा, फाइव ही होगा, हाँ, तो 5 पार्ट है। इसको हम अब डालेंगे, अपलोड करेंगे वीडियो को। तो ऐसे ही जो फ्रंट के फंदे हैं, वो हमने इसके फ्रंट के जो फंदे हैं, 50 फंदे इधर लिए हैं, 50 फंदे इधर लिए हैं। जब हमने 50-50 फंदे ले लिए, उसमें से हमने 8 फंदों की बटन पट्टी रखी है, 7 फंदे हम सीधे बुनते हैं, 1 फंदा हम हर बार उल्टा बुनते हैं, तो हमारे 8 फंदे हैं। तो 8 फंदों की हमने बटन पट्टी रखी है। जब हमने ये 50 फंदे बनाए, उसमें हमने 6 फंदे डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए 6 फंदे रख दिए, तो हमारे टोटल 56 फंदे हैं, जिसमें से 8 फंदों की हमारी बटन पट्टी है, वैसे 7 फंदों की है, एक फंदा हमने साथ में रखना है, तो 8 फंदे। तो ऐसे हमने दोनों बटन पट्टी बनाई है, इस साइड भी और इस साइड भी। हम आपको खोल कर दिखा देते हैं, ये देखिए, ये भी बटन पट्टी है 8 फंदों की, 7 फंदे ये हैं, एक उल्टा साथ में चलता है और उल्टी साइड से ये सीधा सीधा फंदा चलता है। तो ऐसे हमने इसको बनाना है। जब हम गले की कटिंग करेंगे, तो गले की कटिंग हम एक एक फंदा करते हुए तब तक करेंगे जब तक हमारे फंदे जितने शोल्डर के रखने हैं वो नहीं रह जाते। उतने जब रह जाएंगे, उतने देर तक हम कटिंग करते जाएंगे। लेकिन जो आर्म होल की कटिंग है, वो हम ओनली 11 फंदे ही कम करेंगे। 11 फंदे कम करने के बाद बाकी फंदे हम एक एक फंदा कम करते जाएंगे, जहाँ तक हमारे फंदे टोटल शोल्डर के रह जाएंगे उतने हम रख लेंगे। उसके बाद हम आगे पीछे बंद करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, जो कि हम इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं, वो हम जोड़कर बाइंड करते हैं, जोड़ते हैं आपस में फंदों को, तो ऐसी शेप आती है, प्रॉपर ही आती है। देखिए ऐसा हमें दिखेगा। जो बीच के फंदे, क्योंकि हमने जो पीछे के फंदे हैं वो हमारे 66 रह जाएंगे, वो 66 फंदों में से 22 फंदे हमने इसके रखे हैं शोल्डर के, 22 शोल्डर के 22 बीच में हमने घटा दिए हैं। इसमें कोई गला नहीं बनाना है, ऐसे सीधा ही रखना है। और जो बटन होल है वो हमने 4 रखने हैं, और इस साइड बटन होल है।
आप पहले ए साइड बुननी है, जब आपकी ये साइड कंप्लीट हो जाए उस हिसाब से आपने दूरी बनाकर इसकी इस बटन हो पट्टी की आपने दूरी बनाकर उसमें बटन होल रख लेने हैं कि कितनी कितनी। हमने 12 12 लाइनों के बाद बटन होल रखे हैं तो बिल्कुल ठीक आए हैं। अगर आप बटन होल पहले रखेंगे तो आगे पीछे हो सकते हैं। अगर आप बटन पट्टी से पहले ए पीस बनाएंगे तो जितना आप आर्म होल तक रखेंगे कटिंग तक, गले की कटिंग तक या आर्म होल तक, उतनी बटन पट्टी में आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितने बटन होल आएंगे। आप जैसे हमने 4 रखे हैं आप 5 रख सकते हैं। ये देखिए बैक साइड से, बैक साइड से भी ऐसे ही है। ये 11 फंदे कम किए हैं, इस साइड भी 11 किए हैं कम, तो 11 11 फंदे कम करते हुए हमने इसको फिर सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाई है, पूरा आके बुन लिया है, 11 11 फंदे कम किए हैं। अब आते हैं इसकी लेंथ पे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स की हमें ये आएगी मैसेज आएंगे कि इसकी आपने लेंथ नहीं बताई है। तो जो हमने बॉर्डर रखा है उसकी 2 इंच लेंथ है। 2 इंच लेंथ बुनने के बाद आर्म होल तक आपने इसकी 11 इंच लेंथ रखनी है। जे आर्म होल तक की लेंथ है तो इसमें आपने 11 इंच की लेंथ रखनी है। 11 इंच लेंथ रखने के बाद आपने फिर कटिंग के बाद 6 इंच की लेंथ रखनी है, तो टोटल इसकी 17 इंच लेंथ बनती है। ये देखिए टोटल 17 इंच लेंथ है, तो ऐसे ही आपने बनाना है। इसके लिए ये देखिए हम एक बार आपको और बता देते हैं, 3 ईयर बेबी की जैकेट है जे, इसका मेज़रमेंट है। बैक के फंदे हमने 82 रखे हैं और बॉर्डर के 82 फंदे बॉर्डर के हैं, उसमें 8 फंदे ऐड किए हैं तो 90 फंदे टोटल हो गए हैं बैक के। अब फ्रंट में आते हैं, तो फ्रंट में हमने क्या किया है, फ्रंट में हमने 50 फंदे रखे हैं बॉर्डर के, उसमें 6 ऐड किए हैं। फ्रंट के दोनों पीस हैं 50 फंदे और 6, तो 56 फंदे टोटल बनते हैं फ्रंट के, और बटन पट्टी के साथ रखे हैं, साथ के साथ एक फंदा हमने उल्टा रखा है तो 8 फंदे हो जाएंगे। वैसे 7 बटन पट्टी के फंदे हर बार बुनने हैं। टोटल लेंथ 17 इंच है, बॉर्डर की लेंथ 2 इंच है, जो हमने बॉर्डर आपको बताया है उसकी लेंथ 2 इंच है। जब हम आर्म होल तक बुन लेते हैं, जे आर्म होल है जहाँ तक बुनते हैं तो 11 इंच बुनेंगे, और शोल्डर की कटिंग और लेंथ, जे शोल्डर की कटिंग करेंगे 11 पे और जो इसकी लेंथ रखेंगे वो 6 इंच है, और शोल्डर की कटिंग के फंदे बैक और फ्रंट के जो एक 11 11 फंदे हमने की कटिंग करनी है, 11 फंदे की आगे बैक में और फ्रंट में 11 फंदे की कटिंग करनी है। और इसमें बटन हमने रखे हैं 4, तो 4 बटन होल रख लीजिए आप, बस यही मेज़रमेंट है, इसको आप देख लीजिए और इसी के हिसाब से आप 3 साल के बच्चे का स्वेटर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने सारा नोट कर लिया होगा। इसके आगे हम हमारे एक व्यूअर्स हैं, वो हमें कहते हैं कि आप मैम 3 साल के बच्चे का ही स्वेटर बना रहे हैं, क्या आप 6 साल के बच्चे का मेज़रमेंट तो बता दीजिए। तो उनके लिए हमने बोला था कि जो हम 3 साल के बच्चे की जैकेट का मेज़रमेंट बताएंगे उसी में हम 6 साल के बच्चे का मेज़रमेंट भी बता देंगे। तो जे 6 साल के 6 साल के बच्चे का मेज़रमेंट है जैकेट का, चाहे आप स्वेटर बनाइए, क्योंकि हमने आर्म्स भी बता दी है, आप जैकेट बनाइए या आप स्वेटर बनाइए, चाहे जैकेट बनाइए चाहे स्वेटर बनाइए, आप ये चीज दोनों में से दोनों का मेजरमेंट यही है। बैक के फंदे हम रखेंगे 95 6 साल के बच्चे के, और ऊपर हम 5 फंदे बढ़ाएंगे तो 100 फंदे हो जाएंगे। 100 फंदों में हमने बुनना है, उन आपकी मोटी होनी चाहिए,
थोड़ी सी, बहुत पतली ऊन में आप 100 फंदे रखेंगे, उसमें 5 ऐड करेंगे तो 105 हो जाएंगे। फ्रंट के दोनों साइड के फंदे हम बॉर्डर के रखेंगे 55, उसमें ऊपर जाके हम 5 ऐड करेंगे और 60 फंदे हो जाएंगे। आप बटन पट्टी अगर रखेंगे फ्रंट की तो 8 फंदों की रखनी है। आर्म अगर आप बाजू बनाएंगे स्वेटर की तो बाजू के आप 40 फंदे रखेंगे नीचे बॉर्डर के, और ऊपर जब आप कटिंग करेंगे कटिंग तक जितना आपका बाजू की चौड़ाई हो जाएगी तो आपके उस टाइम 90 फंदे होने चाहिए, 90 फंदे। जब आप पूरी आर्म एक एक फंदा करके बढ़ाएंगे तो 90 फंदे होने चाहिए। गले के आपने 110 फंदे उठाने हैं, 110 फंदों का गला बनाना है अगर आपने गोल गला बनाना है। तो ये 6 साल के बच्चे का मेजरमेंट है, और ये 3 साल के बच्चे का है, तो आप इसी हिसाब से आप अपने बच्चे का बना सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई और सवाल क्वेश्चन पूछना है आप हमें पूछ सकते हैं। नीचे आपने ऐसे ओपन ही जैकेट का रखना है, अगर जीन के साथ बच्चा पहनेगा तो बहुत सुंदर लगेगा, तो ऐसे आप बना सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इसमें आप और क्या पूछना चाहते हैं। इसके 4 पार्ट हम डाल चुके हैं, 5 पार्ट हम डालेंगे तो पूरी जैकेट रेडी हो जाएगी। तो जो अगर आपने वो वाले पार्ट्स देखने हैं इसके, तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हमारी वीडियो का लिंक आ जाएगा, उसमें सारे पार्ट्स दिख जाएंगे। इससे पहले भी हमने फुल बाजू के स्वेटर बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बच्चों के हमने सॉक्स बनाए हैं, बूटीज बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, हमारे डिज़ाइन देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें फिर देखना हमारी वीडियो के नीचे, जो हमारी वीडियोस लोग देखते हैं, कि हमें वो पार्ट नहीं मिल रहा, हमें वो पार्ट नहीं मिल, क्योंकि 4-5 पार्ट तो हर स्वेटर के बनते हैं, एक बार में तो पूरा स्वेटर कंप्लीट नहीं होता है। उसकी वीडियो तो देखो कितने घंटे की हो जाएगी, 1-2। तो इसलिए हम पार्ट्स बनाकर डालते हैं कि हमारे व्यूअर्स अच्छे से चीज़ को समझ सकें, अच्छे से निटिंग कर सकें, अच्छे से अपने सुंदर सुंदर बच्चों के लिए सुंदर सुंदर स्वेटर बना सकें। इसीलिए हम पार्ट्स बनाते हैं, क्योंकि एक बार में तो बुना भी नहीं जाता, एक दिन में ये चीज़ नहीं बनती है, इसको एक हफ्ता तो लगता है बुनने में। तो हम अलग अलग वीडियो बना के जो भी आगे बनाते हैं उसका पार्ट बनाते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं, वो आपकी सुविधा के लिए है। इसलिए आप ये सारे पार्ट्स देखने हैं तो हमें सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, साथ में आप बेल आइकॉन को दबाइए। आप बेल का बटन आता है ना, वहाँ बेल पे बटन को दबाएंगे तो हमारे पूरे जितने भी हमने वीडियो डाली हैं अपने चैनल पे, वो पूरी की पूरी आपको दिख जाएंगी। तो आप देखकर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू वेरी मच।